ओम शांति। आज 14 मई 2023 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 5 दिसंबर 1994 को सुनाए थे, जिसमें आज बाबा स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहे, ये ईश्वरीय स्नेह, परमात्म स्नेह आप बच्चों को अभी ही प्राप्त होता है और किसी को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन उसमें बाबा ने देखा कि एक है स्नेह को प्राप्त करना, ये पहली स्टेज है, और दूसरा है कि स्नेह के प्राप्ति के अनुभव में समा जाना, हो जाना। तो बाबा ने क्या देखा कि पहली बात स्नेह को प्राप्त करना, उसमें तो हर कोई कहेगा मेरा बाबा। मैंने बाबा के स्नेह को अनुभव किया। लेकिन दूसरा है कि जो स्नेह के सागर में समा जाए, हो जाए, उसके अनुभव में समा जाना, बाबा कहे इसमें सभी नंबरवार है। विशेष बाबा ने देखा कि जो स्नेह के अनुभव में खोए हुए रहते हैं, उसको कोई भी परमात्मा से दूर कर नहीं सकते हैं। उस आत्मा की झलक और फलक ऐसी होती है और उसके अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती है, जो दूर से तो क्या, लेकिन बाबा कहे कोई आंख उठा करके भी उसको देख नहीं सकते हैं। और बाबा कहे कि उसको कोई भी प्रकार के मेहनत का अनुभव नहीं होता है। जब इस स्नेह में समाये हुए नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, बाबा कहे कभी योग लगाते हैं, कभी युद्ध करते हैं, और युद्ध में ही ज्यादा समय जाता है। इस बात की युद्ध तो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध। बाबा कहे अंदर जानते हैं ये व्यर्थ है, लेकिन कई बच्चों के ये नेचुरल संस्कार हो गए हैं, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ बातों में चले जाना। तो ये नेचुरल संस्कार होने के कारण स्मृति विस्मृति में या व्यर्थ और समर्थ के बीच में युद्ध करनी पड़ती है। और कभी कभी बाबा कहे इस युद्ध में फिर माया की समझदारी का प्रभाव पड़ता है, तो वो भाषा बोलने लगते हैं, समझते नहीं अपने आप को कि मैं गलत हूं। लेकिन बाबा कहे कई रीति से माया की समझदारी के प्रभाव में आकर के बातें करते हैं, इसलिए बाबा कहे मायावी समझदारी से, मायावी योगी से अपने आप को दूर करो और ईश्वरीय स्नेह में खो जाने का अनुभव करो। तभी बाबा कहते हैं सागर में समाना, अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। बाबा बच्चों का चार्ट देख रहे थे और उसमें बाप दादा ने क्या देखा कि अभी समय के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद के वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना चाहिए। लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति का वर्णन तो जरूर करते हैं, लेकिन वास्तविक बेहद का वैराग्य क्या है? तो बाबा कहे यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है न्यारा और प्यारापन का बैलेंस। होता क्या है, कभी बहुत न्यारे बन जाते, कभी बहुत प्यारे बन जाते हैं। लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति में प्यारापन अर्थात निमित्त भाव और निर्माण भाव,
बाबा कहे ये निमित्त भाव निर्माण भाव के बदले मेरेपन का भान आ जाता है। तो भाव निमित्त निर्माण होना चाहिए, उसके बदले भान मेरे मेरे का आ जाता है। इसीलिए बाबा कहे बेहद की वैराग्य वृत्ति आती नहीं है। वास्तव में ये मेरेपन के भाव का वैराग्य ही सच्चा बेहद का वैराग्य है। और इसीलिए उसमें बाबा ने यह भी देखा कि नए नए प्रकार से मेरेपन के भाव आ जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि समय की समीपता का फाउंडेशन है यही बेहद की वैराग्य वृत्ति। अर्थात समय को समीप लाने का आधार यही बेहद का वैराग्य है। दुनिया भी देख रही है, महसूस भी कर रही है कि अभी ये दुनिया ज्यादा समय नहीं चलेगी। अब परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन फिर चलते चलते वो परिवर्तन ठंडा हो जाता है। तो बाबा कहे ये बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का आधार है। बाप दादा ने यह भी चेक किया कि बेहद की वैराग्य वृत्ति के बदले अभी तो छोटे छोटे लगाव का विस्तार भी बहुत बढ़ गया है और उसमें भी मेरे मेरेपन का भाव आ गया है। तो बाबा ने देखा कि बच्चे एक गलती बार बार करते हैं। कौन सी गलती बार बार करते हैं? बाबा ने कहा खुद का जज बनो, उसके बदले दूसरों का जज बनते हैं और खुद का वकील बन करके आर्गुमेंट करते हैं। और जिस तरह कोई भी वकील सच का झूठ, झूठ का सच करने के उसमें माहिर होते हैं, ऐसे ही स्वयं का वकील बन करके, जज बनने के बजाय वकील बन करके रॉन्ग को भी राइट सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए बाबा कहे अब समय के हिसाब से अपने को बदलना है, तभी कहा जाता है स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति का भी वायुमंडल बनाओ। जैसे बाबा कहे आप सेवा का वायुमंडल बनाते हो, लेकिन सेवा का वायुमंडल या प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन बाबा कहे ये सिर्फ दिमाग तक का न हो, दिल तक पहुंचे, दिल में ये लहर उत्पन्न हो कि अब बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना है। हर एक के दिल से ये बेहद की वैराग्य वृत्ति जरूर उत्पन्न हो। तो बाबा कहे यही बेहद का वैराग्य समय को भी समीप लाएगा और साथ ही साथ अनेक प्रकार की युद्ध को भी समाप्त करके ईश्वरीय स्नेह में समाना आसान हो जाएगा। तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज के मुरली का शीर्षक है वर्तमान समय की आवश्यकता बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। यह ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। सिर्फ संगम पर हम बच्चे ही वो भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्हें ये ईश्वरीय स्नेह की प्राप्ति होती है। तो बाबा कहे आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन उसमें दो प्रकार के बच्चे बाबा देखते हैं। पहली स्टेज है प्राप्ति होना, ईश्वरीय स्नेह की प्राप्ति होना, और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना, ईश्वरीय स्नेह के अनुभव में खो जाना। तो एक है प्राप्ति होना, दूसरा है उस प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। बाबा कहे पहली बात प्राप्ति के नशे से
सभी कहते हो कि हमें बाप का प्यार मिला। हर एक ये कहते हैं बाप मिला अर्थात प्यार मिला। सभी के मुख से यही निकलता है मेरा बाबा। प्राप्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है, लेकिन लेकिन क्या अनुभूति में सदा खोए रहे इसमें नंबर वार है। बाबा कहे मेरा बाबा इस प्राप्ति में सभी पास है, लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहे इसमें नंबर वार है। अच्छा, जो खोए रहते हैं उसका स्वरूप कैसा होता है? तो बाबा कहे जो परमात्मा प्यार में खोए हुए रहते हैं उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता है, कोई उनको दूर नहीं कर सकता है। दूसरी बात, परमात्मा प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती है जो कोई भी समीप आना तो दूर लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इतनी पावरफुल उनकी स्टेज होती है कि बाबा कहे जो परमात्मा प्यार में खोई हुई है उसकी झलक फलक और अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली है कि कोई समीप आना तो दूर लेकिन आंख उठा करके भी नहीं देख सकता। तीसरी बात, ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। अगर परमात्मा प्यार में समाये हुए रहेंगे, ऐसी अनुभूति अगर सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। तो तीन विशेष बात उनकी बताई बाबा ने जो परमात्मा प्यार में समाये हुए रहते हैं। एक तो उनको परमात्मा से कोई दूर नहीं कर सकता, उनकी झलक फलक और अनुभूति की किरणें शक्तिशाली ऐसी है जो कोई आंख उठाकर उसको देख नहीं सकता, और तीसरा कभी किसी भी प्रकार की मेहनत का अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन अभी क्या है बच्चों की वास्तविक स्टेज? तो बाबा कहे अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है। कभी योग में रहते हैं कभी युद्ध में रहते हैं। बैठे योग में है लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते रहते हैं। मैं बाप का हूं ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। मैं बाप का हूं ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। तो बार बार स्मृति में लाना कब होता है? विस्मृति है तब तो स्मृति में लाते हो ना। तो हां ना, स्मृति विस्मृति ये युद्ध लवलीन अनुभूति करने नहीं देती है। ये प्रेजेंट की प्रैक्टिकल स्टेज है बच्चों की। स्मृति विस्मृति ये युद्ध लवलीन अनुभूति करने नहीं देती है। वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है वो युद्ध व मेहनत किस बात की है? व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज्यादा चलती है। क्यों ये युद्ध ज्यादा चलती है? बाबा कहे कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल नेचर हो गए हैं। कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की, व्यर्थ सुनने की, व्यर्थ देखने की, व्यर्थ वर्णन करने की, व्यर्थ सोचने की, ऐसी नेचुरल नेचर हो गई है जो वो समझते ही नहीं कि ये हम करते भी है। करते हुए भी समझते नहीं, सोचते हैं तो नेचुरल है। और फिर अगर कोई इशारा भी देते हैं तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं। माया की समझदारी होने कारण क्या होता है? अपने को
बहुत समझदार समझते हैं। या तो माया के समझदार बन जाते वह अलबेलापन आ जाता है। बाबा कहे या तो माया के समझदार बन जाते वह अलबेलापन आ जाता। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है, ये अलबेलापन। माया की समझदारी से रॉन्ग में भी, माया की समझदारी जब आता है आ जाती है तो रॉन्ग में भी अपने को राइट समझते हैं। होती माया की समझदारी है, लेकिन समझेंगे मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है ही नहीं, क्योंकि उस समय माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर देती है जो यथार्थ निर्णय कर नहीं सकते। यथार्थ क्या है उसको समझने की ताकत नहीं है। ऐसी माया की छाया मन बुद्धि को वशीभूत कर लेती है। मायावी योगी, बाबा क्या टाइटल देते उनको, मायावी योगी या मायावी ज्ञानी, समझदार ईश्वरीय समझ से किनारा कर देते। मायावी योगी व मायावी ज्ञानी यानी समझदार, मायावी समझदार क्या करते हैं, ईश्वरीय समझ से किनारा करा देते हैं। माया की समझदारी भी कम नहीं है। माया से योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी है, इसलिए फर्क नहीं समझते हैं। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हैं ना कि बढ़िया होता है। बाबा कहे उस समय के बोल, मायावी योगी व ज्ञानी समझदारी के बोल क्या होते हैं, बाबा कहे उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हो ना, इतना बढ़िया होता है। इसीलिए बाप दादा क्या कहते हैं, इसीलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं कि प्राप्तियों की अनुभूति के सागर में समाये रहो, प्राप्तियों की अनुभूति के सागर में समाये रहो। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया, क्या देखा, समय की समीपता के प्रमाण। अभी समय की समीपता के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना चाहिए। बाबा कहे वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। बेहद का वैराग्य वर्णन भी करते हो, बेहद का वैराग्य वर्णन भी करते हो, पॉइंट्स बहुत निकालते हो, भाषण भी बहुत अच्छे करते हो। सभी के पास पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स वर्णन करना व सोचना इसमें तो मेजॉरिटी पास है। पॉइंट्स तो हर एक के पास बहुत है। इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण तैयार करके देंगे तो वह भी कर लेंगे, उसके ऊपर बोल देंगे। लेकिन यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है क्या, बाबा इसकी डिटेल में ले जाते हैं। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा इसका बैलेंस रहे। तो यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले,
लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रहे। बैलेंस होना बहुत जरूरी है। होता क्या है बैलेंस के बजाय, होता क्या है, कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती और कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती। प्यारापन का अर्थ है, प्यारापन किसको कहा जाता है, तो प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव निर्माण भाव। सभी के प्यारे बनने का आधार है जितना निमित्त और निर्माण, उसी से ही प्यारापन आएगा। प्यारेपन का अर्थ है निमित्त भाव निर्माण भाव, लेकिन इसके बदले क्या होता है, मेरेपन का भान आ जाता है। तो भाव के बदले भान आ जाता है, निमित्त भाव निर्माण भाव के बजाय मेरेपन का भान आ जाता है कि मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन स्थान व सेवक व सेवा साथी, स्टूडेंट्स भी साथी है, बनाए हैं। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन स्थान व सेवा साथी बनाए हैं, ये मेरा है क्या, मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं। ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है, पूछते बाबा, ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है। ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है, ये मेरेपन की रॉयल भाषा कैसी होती है, रॉयल संकल्प। बाप से रूहान में भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। अच्छा, कैसी रॉयल भाषा होती है, बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं। बाबा आप ही इसमें मेरे को मदद करना, आप क्या समझते हो कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए। बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। तो बाबा क्या करते हैं, बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। निमित है जो मिला, जैसा मिला, जहां बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे। ये पहला सभी का वायदा है। बाबा मुस्कुराते रहते और क्या कहते हैं कि जो निमित है उसका वायदा क्या है, जो मिला, जैसा मिला, जहां बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे। ये पहला सभी का वायदा है। वायदा है ना, ये वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए है, ये जो खिलाएंगे जहां बिठाएंगे, खाने पीने के लिए नहीं है वायदा। मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। इतनी सूक्ष्मता में बाबा ले जाते हैं, मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। लेकिन उसमें बाबा ने क्या देखा, नए नए प्रकार से मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। कैसा इमर्ज होता है, माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। इसलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही है। मेरेपन से माया ऐसी छाया डाल दी है जो बाबा कहे जो समय समीप आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी है कि दुनिया की हालत बहुत खराब है। ये दुनिया कहां तक चलेगी, कैसे चलेगी, लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। तो
तो समय समीप क्यों नहीं आ रहा है? तो बाबा कहे, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाप दादा ने चेक किया, बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है। समझा अब क्या करना है? ये लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं, ये लगाव भी बड़े टेस्टी है। जो बाबा ने वर्णन किया पहले, मेरी जिम्मेवारी, मेरा कार्य, है ना। तो बाबा कहे, ये लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं, एक दो बार टेस्ट किया तो वो टेस्ट खींचते रहते हैं। सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन अपनी चेकिंग करो कि निमित्त भाव है या लगाव का भाव है। बाबा बाबा के बदले मेरा मेरा तो नहीं आ जाता? मानना है तेरा और बन जाता है मेरा, मानना है तेरा बाबा और बन जाता है मेरा, तो अब क्या करेंगे? पूछते बाबा, अब क्या करेंगे? मेरा मेरा पसंद है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? वह चलते चलते हो जाती है, या तो गलती कर देते हैं या चलते चलते हो जाती है। करना नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाती है। वह क्या, कौन सी गलती? तो बाबा कहे, वह क्या, दूसरे के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। बनना है अपना जज, फाइनल डिसीशन देना है, और बनते हैं दूसरों का जज। इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, और अपने लिए समझेंगे ये बात बिल्कुल सही है, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, मैं जो कहती हूं वही राइट है, ये ऐसे हैं ये वैसे हैं। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करते हैं? सच को झूठ, झूठ को सच। तो बाबा का इसलिए खुद के वकील बन जाते हैं, झूठ होते हुए भी उसको सच सिद्ध करते हैं, और दूसरों के जज बन जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, सच को झूठ, झूठ को सच। और जितने प्रमाण देना वकीलों को आता है उतना और किसको नहीं आता है। प्रमाण भी दे देते हैं क्यों मैं सही हूं। अपना जज बनना ये गलती हो जाती है, इसलिए बाबा कहे, अपना जज बनने के बजाय वकील बन जाते हैं, ये गलती हो जाती है। दूसरे के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है, लेकिन जज बन करके खुद के लिए रिमार्क देना, ये बाबा कहे करना है। लेकिन अपने को बदलना है। स्लोगन भी है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले स्व है, सुना, क्या चार्ट देखा? बाप दादा भी माया की चाल को देख मुस्कुराते रहते हैं। माया कितनी चतुर है, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा को भी अपना बना लेती है। तो अभी क्या चाहिए? बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो, सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं, दिल तक पहुंचे। बेहद की वैराग्य वृत्ति ये सिर्फ दिमाग तक नहीं लेकिन दिल तक पहुंचे। सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो, दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी आवश्यकता है। समझा? सभी ने अच्छी तरह से समझा? पूछते बाबा कि अभी समझ में आया, फिर उठने के बाद सोचेंगे ये कैसे होगा, ये करना मुश्किल है, सुनना बोलना तो सहज है, करना मुश्किल है। तो अभी ऐसे नहीं कहेंगे ना। बेहद की वैराग्य वृत्ति की सूक्ष्मता बाबा ने एक्सप्लेन कर ली,
तो बाबा कहे अभी तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, स्नेह से आप भी पहुंच गए और बाप दादा भी पहुंच गए। तो बाबा ने देखा स्नेह से आप भी पहुंच गए दूर दूर से मधुबन और बाप दादा भी पहुंच गए। स्नेह में देखो कितनी शक्ति है। स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में ले आता है। आप सबको मधुबन में ले आया है। सभी स्नेह में ठीक पहुंच गए हो ना। किसने लाया? ट्रेन ने लाया कि स्नेह ने लाया? जहां स्नेह है वहां मेहनत मेहनत नहीं लगती, मुश्किल मुश्किल नहीं लगता। ये तीन पैर के बजाय दो पैर पृथ्वी भी मिले तो क्या लगता है? सत्युग के पलंगों से भी श्रेष्ठ लगता है। तो बाबा कहे ये तीन पैर पृथ्वी, बहुत लोग आ गए थे तो तीन पैर पृथ्वी के बजाय दो पैर पृथ्वी भी मिले तो क्या लगता है? सत्युग के पलंगों से भी श्रेष्ठ है। सब आराम से रहे हुए हैं कि मजबूरी से? क्या करे, रहना ही है, ऐसी मजबूरी तो नहीं ना बाबा के सामने। भक्ति मार्ग में तो बाबा स्मृति दिलाते हैं, भक्ति मार्ग में तो सिर्फ पांव रखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आपको सोने के लिए तीन पैर पृथ्वी नहीं तो दो पैर तो मिलता है। आपने तो मांगा था कि चरणों में जगह दे दो। भक्ति मार्ग में बाबा याद दिलाता है कि आपने तो मांगा था चरणों में जगह दे दो, लेकिन बाप ने चरणों के बजाय पटरानी बना दिया। फिर भी मधुबन का आंगन तो है, चाहे कहां भी सोते हो लेकिन है तो मधुबन के आंगन में। इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा ये तो स्वप्न में भी नहीं था। इतना समीप भगवान के पास आने का अधिकार मिलेगा ये तो स्वप्न में भी नहीं था। तो सब खुश हो ना, दो पैर के बजाय एक पैर मिले तो भी राजी रहेंगे, बैठे बैठे सोएंगे। बाबा भी देखो रमणीकता से कैसे बच्चों की मजा लेते हैं, बैठे बैठे सोएंगे। कईयों को बैठने में नींद अच्छी आती है, सोएंगे तो नींद नहीं आएंगी। योग में बैठना और सो जाना। बाबा कहे सोएंगे सोने जाएंगे तो नींद नहीं आएंगी, योग में बैठना और सोना शुरू। पांच दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हो। खाना भी नहीं मिले तो चलेगा कि समझते हो कि ये होना नहीं है? जो चीज वहां नहीं खाते हो वो और ही मधुबन में मिलती है। लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए, मिले तो बहुत अच्छा, न मिले तो बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि सबको अमृत वेले। बाबा क्या करते हैं, सबको अमृत वेले दिल खुश मिठाई तो मिलती ही है और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है। अमृत वेले बैठते हैं तो बाबा सबको दिल खुश मिठाई खिलाते ही है और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है। तो चल सकता है ना, ये भी ट्रायल करे? पूछते बाबा कि पांच दिन की अखंड तपस्या की भट्टी रहे। बाबा कहे खाने का कुछ मिला न मिला, अमृत वेले तो बाबा दिल खुश मिठाई खिला देते और सारा दिन खुशी की खुराक खिला देते। तो चल सकता है, ये भी ट्रायल करेंगे? अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा सर्व प्राप्तियों के अनुभूति में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परखने की निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को सदा सेवा में समर्थ बनाने के निमित्त आत्माओं को सदा न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा की मुलाकात टीचर्स के साथ है तो बाबा कहे जैसे
टीचर्स का टाइटल है, तो जैसा टाइटल है वैसे विशेष बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाने में टाइट रहना। टीचर्स माना टाइट रहना, किसमें? बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाने में। हल्के नहीं होना, क्योंकि निमित टीचर्स का वायुमंडल अनेकों तक पहुंचता है। तो टीचर्स अभी ये कमाल करके दिखाएं, बाबा की अपेक्षा है कि टीचर्स अभी ये कमाल करके दिखाएं। जैसे परिवर्तन में आज्ञाकारी तो बने, आज्ञाकारी बनने का, हाँ जी करने का एक पाठ तो पक्का कर लिया, लेकिन दूसरा पाठ बेहद की वैराग्य वृत्ति का, अभी ये पाठ पक्का करके दिखाओ, क्योंकि निमित्त हो ना। तो बाबा ने कहा एक पाठ तो पक्का कर लिया परिवर्तन में आज्ञाकारी बनने का, उस समय सभी को सेंटर्स परिवर्तन करने के लिए कहा था एक ही जोन में, तो बाबा ने देखा कि सभी ने परिवर्तन होने में नंबर वन करके दिखाया। अभी बाबा कहे दूसरा पाठ बेहद की वैराग्य वृत्ति का, अभी ये पाठ पक्का करके दिखाओ, क्योंकि निमित्त हो ना। तो निमित्त आत्माएं ही निर्माण बन, निर्माण का कर्तव्य बहुत सहज कर सकती है। अभी ये वर्ष तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन नए वर्ष में इस नवीनता की झलक बाप दादा भी देखेंगे। कौन सी? बेहद की वैराग्य वृत्ति की। सेवा की, सेंटर खोले, बहुत बढ़ाया, आईपीस भी आ गए, वीआईपीस भी आ गए, ये तो होता ही रहता है, लेकिन सेवा में बेहद की वैराग्य वृत्ति अन्य आत्माओं को और समीप लाएगी। मुख की सेवा संपर्क में लाती है, मुख की सेवा संपर्क में लाती है, और वृत्ति से वायुमंडल की सेवा समीप लाएगी। समझा? बाप दादा तो चार्ट देखते ही है ना, फिर भी सेवा के निमित्त हो, ये श्रेष्ठ भाग्य कम नहीं है, ये भी विशेष वर्षा है, तो इस विशेष वर्षे के भाग्य के अधिकारी बने हो। समझा? अच्छा, फिर बाप दादा डबल विदेशी जो सभी स्थानों से पहुंचे थे उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, तो बाबा डबल विदेशी को देखकर कहते हैं होशियार है डबल फॉरेनर्स, जैसे सब देश के एम्बेसडर भेजते हैं ना, तो इंटरनेशनल ब्राह्मण परिवार हो गया ना। डबल विदेशियों की विशेषता है कि सदा हाथ में हाथ है और साथ है। विदेश का फैशन है ना हाथ में हाथ देना, तो अभी किसके हाथ में हो? बाप के। सदा बाप के हाथ से हाथ मिला के आगे चलने वाले हाथ है, बाबा का हाथ है श्रीमत, तो श्रीमत का हाथ सदा हाथ में है। पक्का है कि कभी थक जाते हो तो छोड़ देते हो, कभी हाथ छूटता है माया छुड़ावे तो? पूछते बाबा, कभी हाथ छूटता है माया छुड़ावे तो? नहीं छूटता है, तो सदा साथ रहने वाले और सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने वाले, जिसका साथी बाप है, जिसका हाथ बाप के हाथ में है, वो सदा ही निश्चिंत बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि हाथ और साथ दोनों मजबूत है। ठीक है ना? नैरोबी वाले पक्का हाथ और साथ है ना? चाहे सारी दुनिया के अक्षौणी लोग हाथ छुड़ाए तो छूटेगा? वो अक्षौणी शक्तिहीन है और आप एक मास्टर सर्वशक्तिवान है। इसलिए डबल विदेशियों को नशा है कि बाप दादा का एक्स्ट्रा हाथ और साथ है, लिफ्ट है। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव।
दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मन मत का प्रभाव न पड़े, तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती तो रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसलिए कहा जाता है, कर्मों की लीला अति गुह्य है। दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते हैं, लेकिन आप कर्मों की गति के ज्ञाता बच्चे कभी कर्म कूट नहीं सकते। आप तो कहेंगे, क्या कहेंगे, वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म। आज का स्लोगन है, पवित्रता की गहन धारणा से ही अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। पवित्रता की गहन धारणा से ही अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। अच्छा, ओम शांति।